गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राकेश मन पुजार, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज, ABSIT गाजियाबाद। वेलकम बैक फॉर फिजिक्स क्लास। अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो चैप्टर नंबर 2 मॉड्यूल 2 है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशंस, डिस्प्लेसमेंट करेंट, मॉडिफिकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। उसके बाद हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस, चारों इक्वेशंस के डिफरेंशियल फॉर्म इन वैक्यूम या फ्री स्पेस में डिराइव कर लिया। चार इक्वेशंस हमने डिराइव कर लिए। आज हम आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर या पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, और ये कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन कर पा रहा है, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज क्लास में। तो जैसे हर बार की तरह सब्जेक्ट नेम, इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसके कोड है KS101T, मॉड्यूल नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉइंटिंग थ्योरम। जो कोर सब्जेक्टिव है वो है फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो होगा पॉइंटिंग थ्योरम। ये एक मैथमेटिकल डिराइवेशंस वाले टॉपिक है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉइंटिंग थ्योरम किस लिए पढ़ रहे हैं। आपको पता है कोई भी वेव जब मूव करता है, इट इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जो डिस्टेंस कवर करता है या जो मूव कर रहा है उसका मतलब है कि इट इज हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी है इसलिए वो मूव कर पा रहे। तो थ्योरिटिकली पॉइंटिंग, द साइंटिस्ट द फिजिसिस्ट हु हैज डिवाइस्ड दिस थ्योरम आफ्टर हिज नेम इट इज पॉइंटिंग थ्योरम, उन्होंने ये पाया कि थ्योरिटिकली भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को डिस्कस कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, और उन्होंने इसको डिराइव किया। सो दिस इज ए थ्योरिटिकल एक्स्ट्रावेगेंजा जिसको पढ़ना और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पॉइंटिंग थ्योरम इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो इसको पहले एक लाइन में डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको डिटेल डिस्कस करें। द प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिजल्ट्स इनटू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
एनर्जी कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो हम इसमें डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल जिसको हम पढ़ चुके हैं उसको डिस्कस करेंगे यूजिंग मैक्सवेल्स थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस। थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस को हम यहाँ यूज करेंगे। कर्ल ई थर्ड इक्वेशन माइनस डेल वी बाय डेल टी डिराइव कर चुके हैं पहले। फोर्थ इक्वेशन कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाय डेल टी। हमारे स्टार्टिंग रिलेशन यही दोनों होंगे वन टू। कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल टी। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बी है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी। एच है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जे है करंट डेंसिटी। डी है चार्ज डेंसिटी। अब इसको मैथमेटिकली इसमें ऑपरेटर यूज करेंगे। टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन वन विथ एच एंड इक्वेशन टू विथ ई। तो हम एच डॉट कर्ल ई यूज करेंगे जिसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस एच डेल वी बाय डेल टी। और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा ई कर्ल एच विच इज इक्वल टू ई डॉट जे प्लस ई डॉट डेल डी बाय डेल टी। तो दोनों तरफ से ई के जगह पर एच और एच के जगह पर ई हमने मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू हमने निकाल लिया। तो एच डॉट कर ली ई कर्ल एच ये वैल्यू आ गई। ये दोनों इक्वेशन वन टू से आया। इसकी इक्वेशंस हम नाम दे देंगे थ्री फोर। तो हमने इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस को लिया उसमें एच और ई को स्केलर प्रोडक्ट किया और फिर हमें ये इक्वेशन इक्वेशन थ्री एंड फोर मिल गया। आगे दूसरे पेज में इसको डिराइव करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फोर फ्रॉम थ्री इक्वेशन थ्री से चार को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एच डॉट कर्ल ई माइनस ई डॉट कर्ल एच। तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा एच डॉट डेल बी बाय डेल टी। इक्वेशन एन थ्री फोर से देख के हम ये डिराइव कर रहे हैं ई डॉट डेल डी बाय डेल टी माइनस ई डॉट जे। ये हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको माइनस को बाहर ले लिया एच डॉट डेल पी बाय डेल टी प्लस ई डॉट डेल डी बाय डेल टी माइनस ई डॉट जी। ये हो गया इक्वेशन आपके। यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी ये आपको याद रखना पड़ेगा। वेक्टर मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच इज इक्वल टू एच डॉट कर्ल ई माइनस ई डॉट कर्ल एच होता है। ये वेक्टर आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। देख रहे हैं इस जगह पे हम डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच लिख सकते हैं। तो
ये इक्वेशंस बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ इक्रस एच इज इक्वल टू माइनस एस डॉट डेल बी बाय डेल टी, ई डॉट डेल डी बाय डेल टी माइनस ई डॉट जी। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब हम इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करेंगे यूजिंग बी इज इक्वल टू म्यू एच एंड डी इज इक्वल टू इप्सिलॉन ई। ये आप जानते हो, एच और बी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डी और ई को इस रिलेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों रिलेशंस हम यूज करेंगे, ये है परमीएबिलिटी, ये है परमिटिविटी। तो जहाँ पर बी है उसमें म्यू एच यूज करेंगे, जहाँ डी है इप्सिलॉन ई यूज करेंगे। तो हमारे इक्वेशंस आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रस एच विच इज इक्वल टू माइनस, केयरफुली करिएगा, डेल म्यू एच, बी की जगह पर हमने म्यू एच यूज कर लिया, ई डॉट डेल इप्सिलॉन ई डेल टी माइनस ई डॉट जी। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है, केयरफुली आप करिएगा, हाफ म्यू डेल एच स्क्वायर बाय डेल टी प्लस हाफ इप्सिलॉन डेल स्क्वायर बाय डेल टी माइनस ई डॉट जी। ये कैसे लिखा, इसको आप सॉल्व करो ये आ जाएगा रिजिजिंग। ये हमें जरूरत है इसलिए हमने इसको ऐसे मैनिपुलेट किया। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे माइनस हाफ डेल एच डॉट म्यू एच बाय डेल टी, एच स्क्वायर को एच इंटू एच लिख सकते हैं और ऑपरेटर को तो इंटरचेंज कर लेंगे। तो इसी से इक्वेशन आया, हाफ डेल ई डॉट इप्सिलॉन ई आ जाएगा बाय डेल टी माइनस ई डॉट जी। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस हाफ डेल एच डॉट बी, म्यू एच को बी ले लिया, बाय डेल टी प्लस हाफ डेल ई डॉट डी बाय डेल टी माइनस ई डॉट जी। तो म्यू एच की जगह पर बी यूज कर लिया और इप्सिलॉन ई जगह पर डी यूज कर लिया। अब हमारे जो इक्वेशन आया वो हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रस एच विच इज इक्वल टू माइनस डेल बी डेल टी हाफ ई डॉट डी प्लस एच डॉट बी माइनस ई डॉट जी। डेल बाय डेल टी को बाहर ले लिया, सारे टर्म अंदर रख लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 5, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5 ओवर ए वॉल्यूम भी बाउंडेड बाय सरफेस एस क्या मिलेगा, वॉल्यूम भी
डाइवर्जेंस ऑफ इक्रस एच डी वी माइनस भी डेल बाय डेल टी हाफ ई डॉट डी प्लस एच डॉट बी माइनस ई डॉट जे, इसमें भी डी भी आएगा, डी भी वॉल्यूम भी। तो हमें सारे टर्म को इक्वेशन नंबर 5 से उसको वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। आपको पता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अकॉर्डिंग सर्फ वॉल्यूम डाइवर्जेंस को सरफेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा एस इक्रस एच डी एस, डाइवर्जेंस हट गया, ये बन जाएगा माइनस डेल वाई डेल टी हाफ ई डॉट डी प्लस एच डॉट बी डी भी माइनस भी ई डॉट जे डी भी। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गया, एक तरफ सरफेस दूसरी तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल। आगे पेज में इसको फिर डिराइव कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन है माइनस जे डॉट ई डी भी विच इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी, इंटरचेंज कर दिए साइड्स, हाफ ई डॉट डी प्लस एच डॉट बी डी भी प्लस सरफेस ई क्रस एच डी एस। यही है पॉइंटिंग थ्योरम की जो फाइनल एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 6। अब सारे टर्म को कंक्लूजन में हम इंटरप्रेटेड करेंगे, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। All terms first term j dot e dv negative, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है rate of energy transfer into the field, electromagnetic field due to motion of charge। तो ये rate of energy transfer को explain कर रहा है। दूसरा term, तीन term है। दूसरा term है डेल बाय डेल टी हाफ ई डॉट डी प्लस एच डॉट बी डी भी। ये टर्म क्या एक्सप्लेन कर रहा है? आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है और ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड,
क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है तो इसलिए एनर्जी इसमें इकट्ठा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म है ई क्रस एच डी एस। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने एनर्जी ट्रांसफर हुआ यही टर्म बताता है। तो इस टर्म को हम कहेंगे पॉइंटिंग वेक्टर, जिसको हम नाम देंगे ई क्रस एच इज इक्वल टू एस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एस, जो एनर्जी ट्रांसफर की अमाउंट को सूचित कर रहा है। और जो इक्वेशन सिक्स है इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से अंदर आ रहा है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अंदर से बाहर जा रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम है। तो आज हम कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो तीन टर्म से डिफाइन की जा सकती है। एक है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इनटू द फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इनटू द सिस्टम, और तीसरा है अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड। और इस टर्म को एस से हम सूचित करते हैं, ई क्रॉस एच, और इसको हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ा और उसकी एक्सप्रेशन को थियोरिटिकली डिराइव किया। ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। और अगले क्लास में हम प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में उसकी प्रोपागेशन मोमेंट को हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।